शिमला कोटखाई दुष्कर्म एवं मर्डर मामले से देवभूमि हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों के निवासियों में भी कौप पैदा हो गया है। धर्मशाला के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित दुर्गम क्षेत्र चोहला और बनगोटू भी गांव में स्कूल न होने से सहम गए हैं। गांव की बेटियों को मात्र 8वीं तक ही पास के स्कूल में पढ़ने का मौका मिल पाता है, जबकि चोहला बनगोटू में 10वीं और जमा 2 पास करने के लिए लगभग 12 किलोमीटर का पैदल सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार की सही तरीके से स्कूलों को सत्रों उन्नत करने की बातें हवा हवाई ही हो गई हैं। 2 पंचायतों के आधा दर्जन गांवों की बेटियां हर दिन घने जंगल से होकर स्कूल पहुंचने के लिए मजबूर हैं, जिसके चलते गांव वासियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, शिक्षकों और बुद्धिजीवी वर्ग ने ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल को अपग्रेड करने की मांग उठाई है। धर्मशाला विकास खंड के टऊ और जूहल पंचायत के आधा दर्जन के करीब गांवों जिनमें जोहला, बनगोटू, लिहड़ी, बेही, इंद्रुनाग सहित खरपट्टी शामिल हैं के वाशिंदे सदके में आ गए हैं। उत्तर क्षेत्रों के गांव के बच्चों को 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए तो उखड़ी छत वाला स्कूल उपलब्ध है, लेकिन 10वीं और जमा 2 पास करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को बिना बस यातायात सुविधा के 12 किलोमीटर का पैदल सफर प्रतिदिन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में 200 से 500 मीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों को अपग्रेड कर दिया जा रहा है, जबकि बनगोटू स्कूल को 8वीं से आगे बढ़ाया ही नहीं गया है, जिससे प्रदेश सरकार के गांव को सड़क से जोड़ने और स्कूल खोलकर शिक्षित किए जाने की बातें हवा हवाई साबित हो रही हैं। कहने को विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बौद्ध खेल नगरी सहित स्मार्ट सिटी के नाम से पहचाने जाने वाले धर्मशाला के साथ दिखने वाले इंद्रुनाग की पहाड़ियों के गांव काला पानी की सजा काटते हुए नजर आ रहे हैं। अब शिमला कोटखाई गुड़िया मामले से ग्रामीण पूरी तरह से सहम उठे हैं। ग्रामीणों ने इससे पहले भी सरकार और शिक्षा विभाग से स्कूल की दशा सुधार कर अपग्रेड करने की मांग की थी। सरकार ने वनगोटू, चोहला और लिहड़ी बेही गांव के लिए आधी अधूरी सड़क बनाई है, जो कि पूरी तरह से कच्ची है और बरसात के दिनों में सड़क में जगह जगह स्लाइडिंग होने और मिट्टी रास्ते में बिखर जाने से वाहनों की आवाजाही अवरुद्ध हो जाती है और वहीं छात्रों को मात्र 9वीं से पढ़ाई को जारी रखने के लिए पैदल धर्मशाला पहुँचना पड़ रहा है, जिससे गांव के बच्चों को 12 किलोमीटर का सफर रोजाना पैदल ही तय करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे अब पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने स्कूल को अपग्रेड कर 10वीं और जमा 2 तक किए जाने की मांग उठाई है। इस स्कूल में पढ़ रही 8वीं कक्षा की छात्रा कल्पना ने बताया कि उन्हें 8वीं के बाद उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए 12 किलोमीटर जंगल के रास्ते पैदल सफर तय करके धर्मशाला जाना पड़ता है। छात्र ने बताया कि सर्दियों में यहां बर्फ पड़ जाती है और जंगल का रास्ता होने के कारण जंगली जानवरों के द्वारा हमले का खतरा बना रहता है। छात्र ने बताया कि कुछ महीने पहले शिमला कोटखाई में गुड़िया के साथ हुए रेप और हत्या के बाद उनको बहुत डर लग रहा है, इसीलिए उनकी सरकार से मांग है कि उनकी स्कूल को 10वीं तक किया जाए ताकि वह अपनी शिक्षा यहीं ग्रहण कर सकें। मेरा नाम कल्पना है, मेरे स्कूल का नाम गोविंद मिडिल स्कूल बनगोटू है। यहाँ तो ये स्कूल 8 तक है और यहाँ हमें नीचे जाना पड़ता है 10th में पढ़ने के लिए। गोविंद हाई स्कूल को जाना पड़ता है, बहुत दूर है, 12 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर सर्दियों में बर्फ पड़ जाती है तो बहुत फिसलन हो जाती है, हम नीचे जान जाते हैं। और ये जंगलों से होके जाता है रास्ता, तो लड़कियों को कैसी दिक्कत आती है? डर लगता है बहुत। तो अभी आपकी क्या मांग है कि क्या यहाँ होना चाहिए? हमारी मांग है कि यहाँ पर 10th तक स्कूल बन जाए। चोहला बनगोटू के बासिंदों का कहना है कि उनके बच्चों को उस शिक्षा ग्रहण करने के लिए 12 किलोमीटर जंगल के रास्ते पैदल सफर तय कर धर्मशाला जाना पड़ता है। उनकी मांग है कि स्कूल को 10वीं तक किया जाए ताकि उनके बच्चे, खासकर लड़कियां, उस शिक्षा ग्रहण कर सकें। ये बनगोटू गांव है और यहाँ पर जो है स्कूल जो 8वीं तक है। यहाँ नीचे बच्चों को जाने के लिए 9th क्लास के बाद बच्चों के लिए 8-10 किलोमीटर जाना पड़ता है, जिस कारण के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है और पेरेंट्स जो है वो भी डरते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोड की बहुत प्रॉब्लम है और रास्ता जो है सुनसान है, जंगली जानवर होते हैं, बर्फ पड़ती है। और जैसे शिमला में हुआ है, हम सोचते हैं कि वैसा यहाँ की लड़कियों के साथ ना हो, इस कारण जो स्कूल यहाँ पर 10वीं तक जो है स्कूल होना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम तेज सिंह है, मैं यहाँ बनगोटू का स्थायी निवासी हूँ और यहाँ का जो स्कूल है वो 8वीं तक है और दूसरा स्कूल है 10वीं तक, वो 10-12 किलोमीटर नीचे पड़ता है धर्मशाला दाढ़ी में।
यहाँ इससे बच्चों को परेशानी होती है, लड़कियों को परेशानी होती है और आठवीं के बाद ज़्यादातर लड़कियाँ यहाँ स्कूल छोड़ देती हैं। इसे हमारा ये है कि हमें यहाँ दसवीं तक स्कूल बना दिया जाए तो हमारे यहाँ पे जो लड़कियाँ लड़के हैं वो यहीं पढ़ सकते हैं। और रास्ता भी ख़राब है, बर्फ़ गिरता है तो काफ़ी लड़कियाँ स्कूल छोड़ देती हैं। और हमारा यही है कि यहाँ पे दसवीं तक बना दिया जाए तो बच्चे पढ़ लेंगे। यहाँ अभी ज़्यादा लोग डर रहे हैं, जो फैमिली वाले हैं वो जो अपनी लड़कियों को भेजते हैं वो डरते हैं, क्योंकि ये सबको मालूम है कि वहाँ पे ऐसा हुआ, शिमला में ऐसा हुआ। तो अभी सब लोगों के दिल में ये है कि लड़कियाँ अकेली जाती हैं, अकेली आती हैं। 10-12 किलोमीटर का रास्ता है तो कोई इधर होता है बच्चा, कोई उधर होता है, रास्ते में ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, तो सब डर रहे हैं इससे। तो प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक दीपक किनायत ने बताया कि स्कूल की बच्चों की संख्या कुल 36 है और दसवीं तक स्कूल अपग्रेड करने के लिए 100 बच्चों का होना आवश्यक होता है, लेकिन बच्चों को उस शिक्षा ग्रहण करने के लिए 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। तो इसके लिए वह सरकार से पत्राचार कर आग्रह करेंगे कि स्कूल को दसवीं तक किया जाए। ये जो प्राथमिक और माध्यमिक पाठशाला है बंगोटू, इसमें इस समय बच्चों की जो एनरोलमेंट है वो प्राइमरी में भी 18 है और मिडिल स्कूल में भी 18 है। और सरकार का एक वो है कि कम से कम 100 बच्चे होने चाहिए हाई स्कूल्स बनाने के लिए, तो वहाँ क्राइटेरिया नहीं पूरा करता, मगर डिस्टेंस दूर है तो इसके लिए सरकार से हम टेकअप करेंगे डिपार्टमेंट से कि भी यहाँ पर हाई स्कूल दिया जाए जिससे कि बच्चे आगे पढ़ाई कर सकें।